इसके से बच्चों समझ से पूछा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN1 रिएक्शन रेट। जहाँ पर ये बच्चों SN1 की बात करेगा वहाँ पर हमें बात करनी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन की। जहाँ पर मेरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन ज़्यादा वहाँ पर मेरी SN1 रिएक्शन की रेट भी ज़्यादा। तो आपको क्या करना है बच्चों, जहाँ पर ही मेरे लिविंग ग्रुप है उनको जस्ट रिमूव करो और उसकी जगह पर कार्बोकोटाइन फॉर्म करो, है ना। और जहाँ पर कार्बोकोटाइन मेरा ज़्यादा स्टेबल वहाँ पर मेरी लिविंग SN1 की रिएक्टिविटी का रेट भी ज़्यादा। बस आप सेकेंड और फोर्थ मॉलिक्यूल को कंपेयर करने जाओगे बच्चों तो आपको देखोगे कि कार्बोकोटाइन तो मेरा सेम बनेगा दोनों केसेस में, है ना, सेम मॉलिक्यूल बनेगा। अगर आप लिविंग ग्रुप को हटा दो तो बाकी सारी चीज़ें सेम। तो इस केस में कंपैरिजन बच्चों कैसे होगा लिविंग ग्रुप की कैपेबिलिटी से। तो Br- बच्चों एक गुड लिविंग ग्रुप होता है इस कंपेयर टू Cl-। तो सेकेंड और फोर्थ में जब आप कंपेयर करोगे बच्चों तो सेकेंड इज़ मोर ईजली फॉर SN1 रिएक्शन एज कम्पेयर टू फोर्थ, है ना बच्चों। तो हम बस इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बाकी सब के अंदर मेरा कार्बोकोटाइन कैसे बनता है आइए जरा यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो ये टर्शरी कार्बोकोटाइन है मेरा, जो पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल से मुझे मिला है, जो सेकंड मॉलिक्यूल से मिला है डेट इज़ माय सेकेंडरी कार्बोकोटाइन, जो थर्ड मॉलिक्यूल से मिला है डेट इज़ माय टर्शरी कार्बोकोटाइन, और जो फोर्थ मॉलिक्यूल से मुझे मिला है डेट इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी कार्बोकोटाइन। तो बच्चों फर्स्ट और थर्ड में कंपेरिजन कैसे करूँगा कि फर्स्ट मेरा बेंजाइलिक भी है, बेंजीन रिंग भी अटैच है, इसका मतलब फर्स्ट मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद जाएगा बच्चों थर्ड नंबर जाएगा। और सेकंड और फोर्थ में बच्चों हम लोगों ने पहले ही कंपैरिजन कर लिया कि सेकंड मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा तो मेरा सेकंड मोर स्टेबल देन फोर्थ, सो ओवरऑल आंसर विल बी 1, 3, 2, 4, सो ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर दिस।